आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन अभी से चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। इसमें बूथ को मजबूत करने के लिए लगातार बैठक आयोजित की जा रही है। इसी के चलते भाजपा संगठन के आह्वान पर बूथ विजय संकल्प क्लस्टर सम्मेलन का आयोजन नगर बागली के एक निजी गार्डन में बुधवार के दिन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, सांसद प्रतिनिधि जय प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में बूथ विजय संकल्प क्लस्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान अलग अलग विषयों पर अतिथियों द्वारा उद्बोधन दिए गए। इसी दौरान सरकार की योजनाओं के बारे में विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे द्वारा कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। पार्टी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के विगत कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के बूथ के संकल्प अभियान और बूथ सशक्तिकरण के अभियान चल रहे हैं। हमारा फरवरी और मार्च में हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान चला था, जिसमें संगठन ने बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति निर्माण किया। पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति का हमारा निर्माण हो गया है। अब उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शक्ति केंद्र के क्लस्टर सम्मेलन, जिसमें पूरी बूथ समिति और पन्ना समिति और पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ताओं को आज दो दो शक्ति केंद्र के एक कार्यकर्ताओं के शक्ति केंद्र क्लस्टर सम्मेलन हमारे, इस कार्यक्रम का नाम है हमारा बूथ विजय संकल्प अभियान। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ये बूथ विजय संकल्प अभियान हमारा चल रहा है। आज उसी के लिए शक्ति केंद्र बागली का क्लस्टर सम्मेलन था। क्या संदेश यहाँ से दिया गया, क्या संकल्प दिया गया? हमारे जिले के द्वारा तय वक्ता आज मार्गदर्शन के लिए हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और क्षेत्रीय विधायक जी और जय प्रकाश शर्मा जी के द्वारा अलग अलग विषयों के द्वारा कार्यकर्ताओं को और हमारे बूथ समिति के प्रमुख पदाधिकारियों को संबोधित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बूथ स्तर तक उतारना और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करके चुनाव की तैयारियों को लेकर के आज मार्गदर्शन दिया गया था। इसी को लेकर के आज बैठक थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।